प्रदेश भर में सरपंच अपनी मांगों को लेकर पिछले करीब 10 दिनों से जगह जगह धरने पर बैठे हैं। ऐसे में सरकार पर दबाव बनाने के लिए उनकी सभी रणनीतियां फेल नजर आई, तो वहीं अब सरपंचों ने प्रदेश स्तरीय बैठक रोहतक जिले के जसिया गांव में करने का निर्णय लिया, जिसमें आज जुलाना खंड के सरपंच, उनके प्रतिनिधि, ब्लॉक समिति सदस्य व जिला पार्षदों ने जसिया की ओर रवाना हुए तथा अपने हकों की लड़ाई के लिए हुंकार भरी। वहीं सरपंच प्रतिनिधियों और सरपंचों का कहना था कि सरकार उन्हें अपने अधीन काम करने के लिए विवश कर रही है, जबकि सरपंच स्वयं एक संस्थान है और अपने तौर पर वह कार्य कराते आ रहे हैं। ई टेंडरिंग व राइट टू रिकॉल के विरोध में वे लगातार धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बातें नहीं मान रही। ऐसे में एक बड़ा आंदोलन करने को भी मजबूर होंगे अगर सरकार ने उनकी बातें नहीं मानी। एक बड़ा निर्णय आज जसिया की प्रदेश स्तरीय बैठक में लिया जाएगा। आज हमारी पूरी सरपंच एसोसिएशन जुलाना जसिया जाना है। सरपंच एसोसिएशन के आह्वान पर पूरे हरियाणा की सरपंच एसोसिएशन व पूरे मेंबर, जिला पार्षद, हमारे ब्लॉक समिति मेंबर्स, ब्लॉक समिति चेयरमैन, पूरे हरियाणा की जो एक पंचायत इकाई से जुड़े हुए सभी संस्थान वहाँ इकट्ठे होंगे। हम आज जसिया जा रहे भाई साहब, मैं सरपंच एसोसिएशन प्रतिनिधि प्रधान, हम आज जसिया जा रहे हैं और सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। जो सरकार ने ई टेंडरिंग लगा रखी है और जो राइट टू रिकॉल है, उसका विरोध करेंगे। सभी हरियाणा एसोसिएशन के सरपंच हम वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। सरपंच एसोसिएशन जुलाना ब्लॉक जसिया जा रहे हैं। हरियाणा सरपंच एसोसिएशन पूरे हरियाणा प्रदेश के 6500 सरपंच और उनके पंच यहाँ जसिया में चौधरी छोटूराम शिक्षण संस्थान पर इकट्ठे होंगे और वहाँ सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रकट करेंगे। और आगामी जैसे कल का या वो जो अमित शाह की रैली है, उसमें आगामी कोई प्रोग्राम ऐसा देंगे, रैली में काले झंडे भी हो सकते हैं, रैली को कैंसिल कराने का भी प्रोग्राम हो सकता है। और जो प्रतिनिधि हैं, एमएलए हैं, जो मंत्री हैं, उनको गांव में ना घुसने जैसे अभी प्रोग्राम हम दे सकते हैं। कोई बड़ा फैसला लोगे? आज बहुत ही बड़ा फैसला लेंगे। सभी सरपंचों में, पंचों में, पूरे प्रदेश के पंचों में बहुत ज़्यादा रोष है और इस रोष को देखते हुए, व्यापक रोष को देखते हुए आज बहुत बड़ा फैसला लेने जा रही है सरपंचों से। भाई दोस्तों, जिनने वीडियो नहीं देखी हो, वीडियो देख लो, नीचे फोटो होगी उसे क्लिक कर दो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो।